जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे चचा जनाब अतीक खान साहब हैं, जो कि इस बगीचे की देख रेख करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है इससे कितने सांप के काटे हुए के मरीज बचाए गए हैं। और फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, बताइएगा आप। बहुत लाखों मरीज इससे ठीक हुए। ये जो जड़ी बूटी है, इनका कहना है कि बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं इससे, इसे आप पहचान लीजिएगा। चलिए आगे की गुफ्तगू अब मैं आपके साथ करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में सांपों का निकलना एक स्वाभाविक बात है। और मेरे भाइयों, सांप अगर किसी को काट ले तो इस पत्ती को आप सुंघाइएगा। ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती को आप सुंघा देंगे, और सुंघाने का तरीका क्या है और इसका नाम क्या है, ये मैं आपको सभी कुछ बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हमें उन डॉक्टरों से, उन हकीमों से बढ़कर काम करना है। बहुत सारे डॉक्टर आज देख लीजिएगा ऑक्सीजन के नाम पर एक एक लाख रुपया ले रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि उन्हें मौत नहीं आएगी? अरे कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का जायका चखना है। और जब मौत आनी है तो ये धन दौलत क्या क्या है? धन दौलत इज नथिंग, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। आप अगर आपके सामने कोई सर्प के काटे का व्यक्ति आ जाए तो आप इस दवा को, जिसका नाम है डिस्पेनिया एम्ब्रोसाइड, इसको कहते हैं कपूरिया और मगरमस्त, गंधेला भी कहा जाता है इसको, बहुत सारे नामों से, अपने अपने क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके गांव, आपके शहर में इसे किस नाम से जानते हैं, इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई भी सांप के काटे का व्यक्ति आ जाए तो उस व्यक्ति से आप एक भी रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकतर सांप का शिकार गरीब लोग हुआ करते हैं, गरीब लोग हुआ करते हैं सांप का शिकार। और बैठे बैठे बड़े बड़े डॉक्टर धन्ना सेठ बैठ करके एक एक दो दो हजार रुपया फीस लेकर के भी उनकी जान नहीं बचाते हैं, बल्कि उनके माल को तबाह और बर्बाद कर देते हैं कि जाइए आपके मरीज का एक लाख रुपया लगेगा। और गरीब कहता है मैं कहां से लाऊं, तो डॉक्टर कहता है मैं क्या जानूं, आप अपना घर बेचिए, धन बेचिए, दौलत बेचिए, बैल बेचिए, गोरु बेचिए, कुछ भी बेच कर लेकर आइए, मुझे पैसा चाहिए, तभी मैं आपका इलाज करूंगा। वाहरी दुनिया, अरे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ऐसे लोगों का अगर बनाना था तो मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किलों में होता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों, इस बात की आप गांठ बांध लें, इस बात की आप कसम खा लें कि अगर कोई भी व्यक्ति सांप के काटे का आए तो उस व्यक्ति को ये कपूरिया से आप उसको सुंघाएंगे, और आपका भले कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, जात का कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसियन हो, क्रिश्चियन हो, दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, अगर आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया और आप इस जड़ी बूटी के जानकार होते हैं, तो उस कसम है तुम्हें उस पैदा करने वाले की कि उसका इलाज आप बेगुरेज, बिना नफरत के, एक मरीज की हैसियत से आप उसका इलाज करेंगे। मेरे दोस्तों, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना। अरे जानवर भी आजकल, पहले भी जानवर अपने दोस्तों के, जानवर अपने बच्चों को, जानवर भी एक दूसरे के काम आते हैं, मैं कहना यह चाहता हूं, लेकिन इंसान, इंसान को क्या हो गया है? अरे मैं देखता हूं, मैं आपको थोड़ी दूसरी तरफ ले चलता हूं, ये तो दवा आपको बता ही दिया हूं, मैं ये देखता हूं कि आज की कंडीशन ये है कि आप देख लीजिएगा, गाय का बच्चा गाय कहलाएगा, भैंस का बच्चा भैंस कहलाएगा, शेर का बच्चा शेर कहलाता है, बकरी का बच्चा बकरी, मगर इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं कहलाता है? इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं बनता? वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, धर्म के नाम पर नफरतें फैलाने वाले लोगों, याद रखना, इस भोले भाले देश में जो तुम लोगों ने नफरतें फैला कर रखी हैं, एक न एक दिन वो नफरतें खत्म होंगी और तुम्हारा जो धर्म का धंधा चल रहा है एक न एक दिन सर्वनाश होगा, याद रखना मेरे भाइयों। अब मैं उस पत्ती को आपको बहुत सारे एंगलों से दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कपूरिया, इसका नाम है मगरमस्त,
इसका नाम है डिस्फेनिया एम्ब्रोसॉइड, इसका नाम है गंधेला, बहुत सारे एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाना वाला ये बहुत ही आजमूदार पौधा है मेरे भाइयों। ये हमारे मरहूम जनाब लतीफ साहब लेकर आए थे, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई और हमें भी सिखाया, और हम भी उनके कदमों पे जिस तरीके से उन्होंने चलते थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी सांप के काटे का व्यक्ति आ जाए तो आप उसके सांप के काटे हुए व्यक्ति की बीड़ी तक नहीं पिएंगे, यहाँ तक कि उसका लाया हुआ पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपका भाई चुनाव में खड़ा होता है और आपने सांप के 10 मरीज एक गांव से सही कर दिए हैं, उसके बाद आप जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने तेरे भाई को सही करा था इसलिए वोट तू मुझे देगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं मेरे दोस्तों। सही न डॉक्टर में ताकत है और न दवा में ताकत है, याद रखना। जब तक वो ईश्वर नहीं चाहेगा, जब तक वो रब्बुल आलमीन चाहेगा नहीं, तब तक आपको दुनिया की कोई भी दवा आपका एक जुखाम एक नजला भी सही नहीं कर सकती, याद रखना दोस्तों। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता है, मर के सबको चले जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं और आपको कई एंगलों से दिखाना चाहता हूं। देखिए ये एक पौधा मैंने आपको दिखाया था, अब दूसरा ये वही है, ये भी वही है, ये भी बीजे पर आ गया हुआ है, बीजे पर आया हुआ है मेरे दोस्तों। इसका बीजा बहुत ही अमूल्य है। और देख लीजिएगा बहुत सारे पौधे, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी है वही कपूरिया मगरमच्छ डिस्फेनिया एम्ब्रोसॉइड और अन्य नामों से जाने जाने वाला ये पौधा आपको आपके गांव शहर में नदी के किनारे पानी के पास दोस्तों बहुत ही तादाद में मिल जाएंगे। तो ये देखिएगा आप, हमारे शमीम भाई भी हमारे पास साथ में आए हुए हैं और ये भी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि हम भी सीख लें। आप कहाँ से आए हो? जी मैं भोगनीपुर कानपुर देहात का निवासी हूँ, मैं वहीं से आया हुआ हूँ। मैंने भी सुना था आपके बारे में, बहुत नाम जाना, आपका नाम सुना होता, तो मुझे मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आप एक बार ऐसे डॉक्टर से क्यों न मिलूं जो दूसरे लोगों की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भावना से, यानी कोई उन्हें लालच नहीं है इसलिए वो सेवा करना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा हुई, तमन्ना हुई कि मैं डॉक्टर आरिफ से मिलूं, और यही का वो तमन्ना और इच्छा ही मेरी आप तक करीब लाने में सफल रहा, ये महत्वाकांक्षी। और इस तरह से मैं आपके पास ये आज मिलने में आया हूँ, आज वक्त निकाल करके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको इस बात को जानकारी, क्योंकि आप हमारे गांव से बहुत करीब हैं, तो आपको ये जानकारी हुई है कि हमारे पास सांप के काटे के मरीज आते हैं और ठीक होते हैं, ईमानदारी बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत अभी से नहीं, मैंने बहुत पहले से सुन रखा था कि आपका जो इलाज जो है सांप का, डॉक्टर के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, और आपके पास अगर डॉक्टर वक्त से अगर रोगी आता है तो बिल्कुल 100% आपको ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल फिट है और सही हुए। जाने कितने लोग सही हुए, हजारों लोग अमरोधा में आकर के लोगों ने इलाज लिया, आप लोगों जो जड़ी बूटी वाकई बेहद बहुत शानदार जड़ी। मेरे दोस्तों, दवा को कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए, जिन लोगों ने दवा को दबा कर रखा वो कब्रिस्तान में दब गए और दवा भी चली गई मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को जो भी दवा मालूम हो अपने अपने YouTube चैनल बनाएं और दुनिया वालों को बता दें कि हिंदुस्तान में ऐसे जिगर वाले लोग रहते हैं जो पैसे को पैसा नहीं समझते हैं, जो केवल इंसान की जानों को हिफाजत करने के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, आपको फिर एक दफा मैं दिखाता हूँ, वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में मैं अपना नंबर आपको जरूर बताऊंगा। तो ये है, देखिएगा ये पूरा क्या पूरा ये मगरमस्त का प्लांट लगा हुआ है, कपूरिया गंधेला, बहुत सारे नामों से जाने जाना वाला जानने वाला मेरे भाइयों। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों आप इसको जान लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई भी गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास सांप के काटे का आता है तो आप पकड़िए जरा। मैं और लोगों को बता दूं इसके सुंघाने का तरीका, मैं अब वहीं पर आता हूं आप लोगों से गुफ्तगू करने। तो चलिए दोस्तों इधर आ जाइएगा, तो आपने देखी इस तरीके से ये पत्तियां लें, वीडियो हमेशा आखिरी तक देखना चाहिए। इस तरीके से पत्ती लेने के बाद आपने ये किया, ये करने के बाद जैसे ही आप इस मरीज को सुंघाना शुरू करेंगे तो आपकी जो ब्लड में टॉक्सिन
चम गया है, सही बोल रहा हूँ ना? तो इस दवा की महक से आपके ब्लड में जो भी जहर है उसका असर देखिएगा 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जो बात हमारी आपको समझ में आई हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9451479641। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, जब तक कि मैं आप लोगों से विदा लेता हूं तो थोड़ा सा एक दफा और इस पौधे को देख लीजिएगा और ये बाग भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक वैरायटी मैंने आपको ये दिखाई है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसी है, किस किस्म की, ये किस्म नहीं है, ये ये एक वैरायटी है एक ही, लेकिन ये बीजे पर आ चुकी है, ये बीजे पर आ गई है। और मैं आपको आगे चलकर थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अब ये देख लीजिएगा नीचे से इसकी जो डंडी है ये लाल किस्म की है, ये देख लीजिएगा, ये आप पहचान लीजिएगा। मैं आपको पहचानने के लिए और आपके ईमान को ताजा करने के साथ साथ आपको ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और आपको इस वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। तो देखते रहें ZRFZ YouTube चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।